हमारे पास कुछ फिगर्स हैं और हमें इन्हें ड्रॉ करना है बिना पेन को लिफ्ट किए, तो लेट्स ट्राई। द फर्स्ट वन वेरी इजी, द सेकेंड वन वन मोर ट्राई, थर्ड वाले को ट्राई करते हैं। एक और ट्राई करते हैं। ये तो हो गया, इंटरेस्टिंग। अब जानना चाहते हैं किसी भी फिगर को अगर आप देखेंगे तो कैन यू फिगर आउट कि उसको आप एक ही स्ट्रोक में बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर सकते हैं? तो उसके बहुत सिंपल रूल्स हैं। अगर वो रूल्स आपको पता हैं तो आप किसी भी फिगर को देख के ये पता कर सकते हैं कि उस फिगर को बिना पेन को उठाए ड्रॉ किया जा सकता है या नहीं। तो पहले हम समझते हैं वर्टेक्स और एजेज क्या होते हैं। तो जो भी ये कॉर्नर होता है जहां पे दो लाइंस आके मिलते हैं उनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और जो ये लाइंस होती हैं इनको हम एज बोलते हैं। तो जो हमारा रूल है वो रूल ऐसा बोलता है कि आप किसी भी फिगर पे काउंट करो वो वर्टेक्सेस जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ एजेस आके मिलते हैं, इवन नंबर ऑफ एजेस को आप इग्नोर कर सकते हो, और अगर वो जीरो या टू नंबर है वो ऑड एजेस, तो वो फिगर आप बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो इसके अलावा है, वन है या मोर देन टू है, तो यू कांट ड्रॉ इट। तो एक बार रूल को और समझ लेते हैं। सारे वो वर्टेक्स जिसमें कि इवन नंबर ऑफ एज आके मिलते हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिए, वो वर्टेक्सेस काउंट कीजिए जिसमें ऑड नंबर ऑफ एजेस आके मिल रहे हैं। अगर वो जीरो या टू नंबर्स हैं तो ही आप उस फिगर को बिना लिफ्ट किए ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और नंबर है तो आप उसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर वो जीरो है तो आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट। मगर अगर वो टू है तो आपको एक ऑड एज से स्टार्ट होना है एंड यू विल फिनिश इट ऑन द नेक्स्ट ऑड एज। तो हम इस फिगर्स को इस रूल्स के हिसाब से एक बार चेक करके देखते हैं। यहां पे हमारे हैं चार वर्टेक्स और इसमें जो नंबर ऑफ एजेज आ रहे हैं दो 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 दो, एक इधर से एक इधर से, तो हमारे रूल के हिसाब से इसमें सारे वर्टेक्स में इवन एजेज आ रहे हैं, तो वी कैन ड्रॉ द फिगर बिना पेन को उठाए। अब हम दूसरे को चेक करते हैं। यहां पे हमारे एक दो तीन चार वर्टेक्स हैं और एक पांचवा बीच में। अब इसमें कितने एजेज आ रहे हैं? वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, और इधर पे आ रहे हैं वन टू थ्री फोर। तो अब इसमें कितने वर्टेक्स हुए जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ एजेज आ रहे हैं? वन टू थ्री फोर। तो एज पर दिस रूल आप इस फिगर को बिना पेन उठाए नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इस पे आते हैं, इसमें दो नंबर ऑफ एजेस बढ़ गए बट हमें फोकस करना है वर्टेक्स पे। अब वर्टेक्स यहां पे कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इनके एजेस काउंट करते हैं। यहां पे है टू, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, तो कितने ऑड हुए? ओके दिस फोर। तो यहां पे कितने वर्टेक्स हैं जिसमें ऑड एजेस आ रहे हैं? वन एंड टू। तो आप इस फिगर को बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट आपको स्टार्ट इस या इस वर्टेक्स से होना है एंड यू विल सी दैट आप ऑटोमेटिकली दूसरे वर्टेक्स में जाके ड्रॉइंग फिनिश होगी। कुछ और छोटी छोटी फिगर्स लेते हैं। अगर आपका एज ऐसे है और इसके कोने में केवल एक वर्टेक्स है तो इस वर्टेक्स में आपका केवल एक एज आता है, और वो एज क्योंकि वो एक नंबर है तो वो ऑड हो जाता है। तो यहां पे अगेन लेट्स काउंट नंबर ऑफ वर्टेक्स वन एंड टू। तो यहां पे वन एज है और यहां पे वन टू एंड थ्री, सो इट हैज टू नंबर ऑफ वर्टेक्स, सो वी शुड बी एबल टू ड्रॉ इट। सेकेंड फिगर दिस वन, अगेन लेट्स काउंट नंबर ऑफ वर्टेक्स टू थ्री फोर, वन 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 एंड फोर। यहां पे है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स फोर जिनमें कि ऑड एजेज आ रहे हैं, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो रूल के हिसाब से वी शुड नॉट बी एबल टू ड्रॉ। लेट्स ट्राई। ओके वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ। लेट्स कम टू द थर्ड वन।
इसमें है हमारे एक दो तीन वर्टेक्स, इसमें एक एच, इसमें एक एच, और इसमें वन टू थ्री फोर, फोर। तो ये इवन वाला है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, हमारे पास दो वर्टेक्स हैं, तो वी शुड बी एबल टू ड्रॉ इट। तो सी, आपको उस वर्टेक्स से स्टार्ट होना है जो कि ऑड है और आप दूसरे पे जाके रुकेंगे। अगर आप इसको ऐसे कोशिश करेंगे तो आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए हम एक और फिगर ट्राई करते हैं। यहां पे अगेन वर्टेक्स काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। लेट्स काउंट नंबर ऑफ एजेस, वन टू, वन टू थ्री, वन टू, वन टू थ्री, फोर थ्री टू, वन टू थ्री, वन टू। हमारे ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर। सो विथाउट ट्राइंग हमें बोल सकते हैं कि इसको हम बिना पेन लिफ्ट को लिफ्ट के ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बट हम इसमें क्या ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं कि इसको हम ड्रॉएबल बनाए? तो उसके लिए लेट्स जस्ट ट्राई दिस थिंग। अब इट हैज इंट्रोड्यूस सम मोर न्यू वर्टेक्सेस। यहां पे हमारे फोर एजेस, टू टू फोर, टू टू फोर। तो अब हमारे कितने वर्टेक्स ऐसे हैं जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं, वन एंड टू। तो कैन वी नाउ ड्रॉ इट? वी शुड बी एबल टू ड्रॉ इट। तो हमें स्टार्ट करना है किसी ऑड वाले से, इधर यहां से और यहां से। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। और आपने देखा ये वापस दूसरे वाले ऑड वर्टेक्स पे जाके फिनिश हुआ। नाउ लेट्स डू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अगर आपको इस प्रॉब्लम का आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। शहर के बीच से एक रिवर निकलती है, उस रिवर पर दो आइलैंड है, आइलैंड वन एंड आइलैंड टू। मेनलैंड से आइलैंड्स में जाने के लिए कुछ ब्रिजेस बने हैं जो आप ए बी सी डी ई एफ करके देख सकते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, मगर आपको इस तरीके से अपनी मूवमेंट करनी है कि आप सारे ब्रिजेस को क्रॉस करेंगे लेकिन किसी भी ब्रिज को केवल एक और एक बार ही क्रॉस करेंगे। क्या आप ऐसा एक मूवमेंट चार्ट आउट कर सकते हैं? इसका एक सिंपल हिंट है, इसको आप वर्टेक्स और एज के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। द करेक्ट सॉल्यूशन विल बी पिंड, और हो सकता है आपको फील्ड मेडल भी मिल जाए। फील्ड मेडल इज कंसिडर्ड टू बी द नोबेल प्राइज इन मैथ्स। तो विल स्टॉप हियर। डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी विल कीप कमिंग विथ सम वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स।